हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल साइको स्टडी आई एम निशु रावल एंड इन दिस चैनल यू विल गेट द इफॉर्मेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस ऑफ साइकोजी ऑनअर कोर्सेज ऑफ इग्नू एंड आई होप दैट यू विल लाइक द कंटेंट सो बिफोर जंपिंग टू द वीडियो डोंट फो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेलाइकन तो आज हम बी पी बायोसाइकोलॉजी के ब्लॉक वन की यूनिट वन इंट्रोडक्शन टू बायोसाइकोलॉजी पढ़ेंगे और हमने बी सी के ब्लॉक वन की दोनों यूनिट कवर कर लिए हैं अगर आप अब तक आपने वो दोनों यूनिट नहीं देखे नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जा करके देखी और आज हम बी बी सी सी वन जीरो टू की यूनिट वन कवर करेंगे तो स्टार्ट कर देते हैं पहले इंट्रोडक्शन से पहले हम पढ़ेंगे कि क्या क्या, क्या मेन पॉइंट्स हैं क्या क्या बातें हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का पहले हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना कि ब्रेन वेट ओनली अबाउट वन पॉइंट थ्री के जी हमारे ब्रेन का एक अडल्ट ब्रेन का वेट वन पॉइंट थ्री के जी है इट कंसिस्ट ऑफ इन्फाइनइट न्यूरल कनेक्शंस न्यूरोन्स विच कंट्रोल ऑल आवर बिहेवियर्स अब जो जो हमारा ब्रेन है वो बहुत सारे टिश्यूज़ से बना है और टिश्यूज़ में बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस हैं न्यूरोन्स हैं जो हमारे सारे बिहेवियर को कंट्रोल कर, करते हैं हमारे जितने भी हमारे बॉडी के बिहेवियर है उन सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं हमारे ब्रेन के न्यूरोन्स इट इज़ हाईली कॉम्प्लीकेटेड एंड रिस्पॉसिबल फॉर सो मैनी टास्क एंड एक्टिविटीज़ और हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे हम जितने भी टास्क करते हैं जितने भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं सबके लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है इट इज़ द लीस्ट अंडरस्टूड ऑर्गन ऑफ आर बॉडी और हमारी बॉडी का सबसे जिसके बारे में सबसे कम स्टडीज़ हुई है जिसे सबसे कम समझा गया वो पार्ट है वो ऑर्गन है हमारी बॉडी का द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनाटमी बायोकेमिकल प्रोसेस एंड द फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरोसाइंस अब यहाँ पर हम थोड़ा सा न्यूरोसाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि न्यूरोसाइंस क्या है क्योंकि आगे काफ़ी नाम आएगा न्यूरोसाइंस क्योंकि साइकोलॉजी न्यूरो साइंस का ही एक पार्ट थी न्यूरोसाइंस क्या है न्यूरोसाइंस में हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं बायोकेमिकल जितनी प्रोसेसेस है उनके बारे में पढ़ते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की जो फिजियोलॉजी है जो, जो फिजिक है किस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम है क्या क्या वर्क है इसमें क्या क्या ये काम करता है किस 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 एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इस सब के बारे में हम न्यूरोसाइंस में स्टडी करते हैं न्यूरोसाइंस में पढ़ते हैं बायोसाइकोलॉजी आल्सो नोन एज साइकोबायोलॉजी बिहेवियरल बायोलॉजी और बिहेवियल न्यूरोसाइंस अब बायोसाइकोलॉजी के कुछ नाम हैं साइको बायोलॉजी बिहेवियल बायोलॉजी और बिहेवियल न्यूरोसाइंस इधर भी न्यूरोसाइंस आया है कि बायोसाइकोलॉजी को बिहेवियल न्यूरोसाइंस भी कहा जाता है अब यहाँ पे है नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोसाइकोलॉजी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार एग्जाम्स में कि नेचर एंड स्कोप ऑफ बायोसाइकोलॉजी क्या है ये लिखो तो द बायोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर इज़ नोन एज बायोसाइकोलॉजी बायोसाइकोलॉजी में हम क्या करते हैं हम पढ़ते इसमें ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर के बारे में ही है बट बायोलॉजिकल अप्रोच होती है इसमें हम जितने भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उनका हमारे उनका ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर पे क्या रिस्पॉन्स है किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है क्या क्या रिस्पों क्या, रिस्पो, क्या किस तरीके से हमारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है इस सब के बारे में हम बायोसाइकोलॉजी में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हमारा डाइजेशन है वो किस तरीके से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसका बिहेवियर काफ़ी मतलब कभी कभी हो जाता है कि लोग काफ़ी चिड़चिड़े चढ़ जाते हैं इस चीज़ की वजह से तो किस तरीके से हमारी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो हमारे बिहेवियर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है हमारे नर्वस सिस्टम किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है इस सब के बारे में हम बायोसाइकोलॉजी में पढ़ते हैं बायोसाइकोलॉजी इमर्ज इन द्वेंटी ट्वेंटी सेंचुरी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन ऑफ न्यूरोसाइंस अब देखो न्यूरोसाइंस इसीलिए हमने पढ़ा था जैसे हमने बी बी सी सी वन जीरो वन में पढ़ा था कि साइकोलॉजी फिलोसफी का एक पार्ट है फिलोसफी से इमर्ज हुई है वैसे ही बायोसाइकोलॉजी न्यूरोसाइंस से इमर्ज हुई है ट्वेंटीथ सेंचुरी में इस वजह से न्यूरोसाइंस का ये एक पार्ट है तो कुछ कुछ चीज़ें कुछ कुछ प्रिंसिपल थ्ररीज़ न्यूरोसाइंस से ली गई हैं बायोसाइकोलॉजी में डी ओ हैप्स सेमिनल पब्लिकेशन The ऑर्गेनाइजेशन of बिहेवियर in 1949 paved the way for future investigation of neural foundation of फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर डी ओ हैप्स एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे और इनकी एक सेमिनल पब्लिकेशन अब सेमिनल क्या है सेमिनल मीन्स अगर कोई भी बुक है या फिर कोई भी वर्क है कोई भी एक्सपीरियंस कराए किसी पर्सन ने उस बुक को या उस वर्क को उस इवेंट को सेमिनल तब डिक्लेयर करा जाता है जब उस वर्क ने या उस बुक ने शुरुआती दौर में मतलब स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा हो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जैसे इन डी ओ हैब्स जो ये कनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने जो बुक निकाली थी जो इनकी पब्लिकेशन थी उसको सेमिनल क्यों बनाया गया था उस बुक का नाम था द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ बिहेवियर इन 1949 इन्होंने इतनी शुरुआत में एक तो स्टार्टिंग का बेस दिया था इन्होंने कि हमारे जितने भी फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन है जो हमारा न्यूरल फाउंडेशन है बिहेवियर उसको लेकर के इन्हों इनकी इनकी जो बुक थी दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर उसने क्या करा था कि फ्यूचर में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होने वाली थी उसका बेस इन्होंने बनाया था जितने भी फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन होने वाली थी हमारे न्यूरल फ़ाउंडेशन ऑफ बिहेवियर मतलब हमारे जितने भी न्यूरल फाउंडेशन हमारे बिहेवियर जितना भी हमारे न्यूरोन से जितना भी हमारे ब्रेन से इन्फ्लुएंस होता है हमारी जो बिहेवियर की जो फाउंडेशन है हमारे ब्रेन में हमारे नर्वस सिस्टम में उस सब का बेस इन्होंने अपनी बुक में काफ़ी शुरुआत में 1949 में दिया था दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर एक बार दोबारा से समझते हैं कि डी ओ डी ओ ने अपनी सेमिनर पब्लिकेशन जो उनकी बुक थी दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर जो कि 1949 में आई थी उससे हमें क्या मदद मिली थी उससे हमें मदद मिली कि आज हम जितनी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बिहेवियर को रिलेटेड कि हमारा बिहेवियर हमारे नर्वस सिस्टम से कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है क्या हमारी न्यूरल फाउंडेशन है जो कि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती इस सब के बारे में उन्होंने पास्ट में यानी कि 1949 में ही एक बेस बना दिया था कि ये ये अपनी थ्योरी दी थी प्रिंसिपल्स जो भी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करने के जिससे हमें आज मदद मिल रही वो सब उन्होंने नाइनटीन में दिया था उन्होंने एक बेस बनाया था जिससे आज जिसकी वजह से आज हम इन्वेस्टिगेशन कर पा रहे हैं इस चीज़ के लिए तो इस वजह से उनकी जो बुक थी उन्हें उससे सेमिनल कहा गया था क्योंकि उसने इन्फ्लुएंस करा था काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में वट हैव प्रपोज इन 1949 जो भी कुछ हैब ने 1949 में इस बुक में दिया था इज बींग अप्लाइड इन द प्रजेंट टाइम्स वो आज भी अप्लाई हो रहा है किस किस फील्ड में अप्लाई हो रहा है इंजीनियरिंग में रोबोटिक्स में साइकोलॉजी में न्यूरो साइंस में और न्यूरो साइकोलॉजी में इस सब फील्ड में ये जो इनकी पब्लिकेशन थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर इस सब में इस इन सब फील्ड्स में इसका यूज किया जा रहा है आज भी बायोसाइकोलॉजी ट्रॉज इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूरो साइंस एंड यूजेज दी इंफॉर्मेशन टू स्टडी ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर बायोसाइकोलॉजी न्यूरोसाइंस का ही पार्ट है तो बायोसाइकोलॉजी क्या करते हैं कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो कि न्यूरोसाइंस में है हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड उन सब को लेती है और उन सब इन्फॉर्मेशन का क्या यूज़ करते हैं कि वो उन सब इन्फॉर्मेशन से हमारे ह्यूमन बिहेवियर को और एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं बायोसाइकोलॉजी न्यूरोसाइंस में से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को स्टडी करती है तो इस वजह से हमने पहले न्यूरो साइंस के बारे में पढ़ा था कि न्यूरो साइंस में हम क्या पढ़ते हैं और बायोसाइकोलॉजी क्या है अब हमने पढ़ा था कि बायोसाइकोलॉजी न्यूरोसाइंस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो ये कुछ फील्ड्स हैं कुछ डिसिप्लिन है न्यूरो साइंस की जो कि बायोसाइकोलॉजी के लिए भी काफ़ी रिलेवेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें से भी बायोसाइकोलॉजी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है तो फर्स्ट है न्यूरो एनाटमी तो न्यूरो एनाटमी में हम क्या पढ़ते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम न्यूरो एनाटमी में हम अपने नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं न्यूरोकेमिस्ट्री इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नर्वस एक्टिविटी ये न्यूरो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं न्यूरो में हम पढ़ते हैं कि जितने भी केमिकल एस्पेक्ट्स हैं जितने भी केमिकल के पहलू हैं हमारे नर्वस सिस्टम में जितने हमारी जो नर्वस एक्टिविटी न्यूरल एक्टिविटी है जितने भी केमिकल सेक्रेट होते हैं जितने भी हॉर्मोन सेक्रेट होते हैं केमिकल सेक्रेट हो रहे हैं उन सब के बारे में हम इस फील्ड में स्टडी करते हैं थर्ड है न्यूरोपैथोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम में जितने भी डिसऑर्डर हैं उन सबके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं जितने भी हमारे ब्रेन के डिसऑर्डर हैं नर्वस सिस्टम में जितने डिसऑर्डर हैं उन सब के बारे में न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी अब इस नाम को भी हम देखे तो उसमें क्या है न्यूरो फिर एंडोक्राइन तो इसके नाम से पता चला कि दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जैसे न्यूरो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम इस फील्ड में हम जो भी हमारा नर्व जो हमारा नर्वस सिस्टम है और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम इसके इंटरेक्शन के बारे में हम इस फील्ड में पढ़ते हैं न्यूरो न्यूरोफार्मेकोलॉजी इट इट स्टडीज़ द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन न्यूरल एक्टिविटी इस फील्ड में हम हमारे जितने भी ड्रग्स हैं उन सब का हमारे ब्रेन पे हमारे न्यूरल एक्टिविटी पे क्या 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 इन्फ्लुएंस होता है क्या फ़र्क पड़ता है इसके बारे में हम इस फील्ड में पढ़ते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी इट स्टडीज़ दी फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम इस फील्ड में हमारे नर्वस सिस्टम की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जितने फंक्शंस हैं उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये सारी डिसिप्लिन भी हमने कवर कर ली द बायोसाइकोलॉजिकल रिसर्च इज़ कंडक्टेड ऑन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट जितने भी बायोसाइकोलॉजी में जितनी रिसर्चिज़ होती हैं वो ह्यूमन पर या फिर नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स पर की जाती हैं नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स पर क्या क्या होते हैं माइस रैट्स कैट्स डॉग्स प्राइमेट्स, मंकीज़ इन सब के ऊपर रिसर्च की जाती है थ्री एडवांटेज इन कंडक्टिंग रिसर्च ऑन नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स अब तीन एडवांटेज ये हैं कि अगर हम नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स पर मतलब ह्यूमंस को छोड़ करके अगर हम किसी भी एनिमल पर अगर हम रिसर्च करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है तो ये तीन पॉइंट्स हैं फर्स्ट द ब्रेन एंड बिहेवियर ऑफ नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स एज़ कंपेयर टू द ह्यूमन पार्टिसिपेंट अब देखो कोई एक चूहा है उसका ब्रेन और एक ह्यूमन ब्रेन दोनों में काफ़ी डिफ्रेंसेज हैं उसका ब्रेन लेस कॉम्पेक् लेस कॉम्प्लेक्स है और जो ह्यूमन ब्रेन ब्रेन है वो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि वो हाईली कॉम्प्लीकेटेड है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड है तो इस वजह से हमें रिसर्च करने में भी ईजी हो जाती है क्योंकि हम बेसिक जो बेसिक फंडामेंटल जो बेसिक्स हैं हमारी ब्रेन के उसके बारे में हम स्टडी कर पाते हैं कि क्या क्या कॉमन करेक्टरिस्टिक हैं और वो लेस कॉम्प्लेक्स भी है और उनका बिहेवियर भी लेस कॉम्प्लेक्स है इस वजह से उनके ऊपर स्टडी करना उनके ऊपर कोई भी रिसर्च करना ज़्यादा ईजी हो जाता है लोगों के लिए और हम बेसिक जितने भी एक्टिविटीज़ हैं एक कॉमन ब्रेन की जो कि सबकी सेम है एनिमल्स की भी ह्यूमन्स के भी उसके बारे में हम स्टडी कर पाते हैं कंडक्टिव रिसर्च ऑन सच अ ग्रुप लीड्स टू अम्पेरेटिव अप्रोच वेयर बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज मे बी कम्पेयरड अब देखो जैसे कि सबको पता है कि कोई भी स्पीसीज है एनिमल्स में एक ही जैसे मंकीज़ में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ मिलती हैं आंट्स में भी मिलती हैं रेट्स में भी मिलती हैं इन सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं तो अगर हम ऐसे किसी ग्रुप पे ऐसे किसी एनिमल पे रिसर्च करते हैं तो उसके साथ हम उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ पे भी रिसर्च करते हैं इससे हमें कंपेरेटिव अप्रोच मिलते हैं हम कंपेयर भी कर पाते हैं कि एक ही एनिमल की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ में क्या क्या तो डिफरेंसेस है क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं हमें कंपेरेटिव अप्रोच कर पाते हैं उनकी बायोलॉजिकल प्रोसेस किस तरीके से डिफरेंट है स्पीसीज़ में इसका आ, हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है और हमें कंपेरेटिव अप्रोच मिलती है तो ये भी एक एडवांटेज हो जाती है थर्ड है इट इज़ ईजी टू कंडक्ट रिसर्च ऑन लेबोरेटरी एनिमल्स रैदर देन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स ड्यू टू एथिकल रीज़न्स अब कुछ एथिकल रीज़न्स भी होते हैं जैसे अगर हम किसी ह्यूमन पे हम कोई नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसको कुछ हो गया तो हमारे पर, तो जो रिसर्चर्स हैं उनके ऊपर केस भी हो सकता है या फिर अगर उस पर्सन के आ, उस पर्सन के ब्रेन में हमने कुछ इंजेक्ट करा उसकी वजह से उसकी उसके साथ कोई भी इशू हो जाता है तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है और एथिकल रीज़न भी एथिकल रीजन्स भी हैं जो एनिमल्स के ऊपर हमें ज़्यादा ईजी हो जाता है करना इसका मतलब ये नहीं कि हम एनिमल्स को मारी दें तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनके लिए भी एथिकल कंडीशंस हैं रूल्स हैं गाइडलाइंस हैं जैसे रिसर्च इन साइकोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस आर ऑल गवर्न बाय स्ट्रिक्ट एथिकल गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन लाइक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जैसे कि मैंने बोला एथिकल रीजंस एथिकल रीजंस क्या है कि दो फील्ड है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ये दो गाइडलाइंस है दो ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में क्या गाइडलाइंस है गाइडलाइंस फॉर एथिकल कंडक्ट इन द केयर एंड यूज़ ऑफ नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इन रिसर्च अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की क्या गाइडलाइन है कि जितने भी नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स हैं रिसर्च में जिनका यूज़ किया जाता है जितने भी एनिमल्स हैं या जित जितने भी नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी केयर की जाए और उनका ध्यान से यूज़ किया जाए उनको ये ना सोचा जा जाए कि भाई ये तो जानवर है तो उनको मार दो उनका कोई इनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है ऐसा कुछ नहीं है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च में आई सी एम आर जैसे आई सी एम आर भी कहते हैं उनकी क्या गाइडलाइंस है गाइडलाइंस फॉर बायो मेडिकल रिसर्च इन इंडिया जितने भी बायो मेडिकल रिसर्च है उसके लिए इन्होंने गाइडलाइंस दी है बायोसाइकोलॉजी एम्स टू अंडरस्टैंड एस्पेक्ट्स लाइक तो अब हम पढ़ेंगे कि बायोसाइकोलॉजी की क्या एम है किन एस्पेक्ट्स के बारे में हम इस फील्ड में पढ़ते हैं इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे दी एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन एंड इट्स इन्फ्लुएंसेज ऑन बिहेवियर जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारा ब्रेन अलग होता है फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी ब्रेन की एवोल्यूशन होता जाता है हमारा ब्रेन विकसित हो जाता होता जाता है तो उसकी वजह से हमारे बिहेवियर पे क्या इन्फ्लुएंस होता क्या है हमारा बिहेवियर पे क्या फ़र्क पड़ता है किस तरीके से वो चेंज होता है उसके बारे में हम इस फील्ड में पढ़ते हैं डिवेलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम अक्रॉस लाइफ स्पेन जैसे कि अभी मैंने बोला कि हम छोटे होते तब हमारा ब्रेन अलग होता है हमारे ब्रेन की एवोल्यूशन होती जाती है तो उस हम जितने डेवलपमेंट करते, है, करते, करते हैं जितना कुछ लर्निंग करते हैं जितने एक्सपीरियंसिस करते हैं अपनी पूरी लाइफ में तो उसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम पे क्या इन्फ्लुएंस होता है किस तरीके से वो चेंज होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं विच एरियाज़ ऑफ दी ब्रेन आर इन्वॉल्वड इन सेंसेशन हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट सेंसेशन में परसेप्शन में मेमोरी में मूवमेंट में और इस सब में इन सब में इन्वॉल्व होता है कि कौन सा पार्ट हमारा सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा लैंग्वेज के लिए कौन सा स्पीच के लिए कौन सा परसेप्शन के लिए कौन सा मूवमेंट के लिए इन सब के बारे में पढ़ते हैं द रोल ऑफ द ब्रेन इन इमोशनल एक्सप्रेंस एक्सप्रेशन और हमारे ब्रेन का क्या रोल है कि हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन होते हैं लैंग्वेज जय कोगनीशन और रेगुलेशन इस सब के बारे में भी हम इस फील्ड में पढ़ते हैं हाउ बिहेवियर चेंज ऑकर्स आफ्टर ब्रेन डैमेज और ट्रोमा अगर हमारे साथ कोई ट्रॉमा हो जाता है या फिर हमारे हमारे ब्रेन में कहीं चोट लग जाती है तो उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आता है इट ऑल्सो सिक्स टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड एंडोक्रन सिस्टम इन मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस तो पहले हम पढ़ लेते हैं पहले जान लेते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या होता है तो होम्योस्टेसिस क्या होता है ऐसी स्टेट जिसमें हमारी बॉडी हमारे जो इंटरनल है वो बाहर जो जितने भी एनवायरमेंटल सिचुएशन होते हैं एन्वामेंटल कंडीशन होते हैं हमारे सराउंडिंग की वजह से इन्फ्लुएंस ना हो जैसे कि हमारे सराउंडिंग बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनल है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है उसमें चेंजेस आ सकते हैं वो ख़राब हो सकता है हमारी हेल्थ बिगड़ सकती है तो हमारी बॉडी खुद को ही हेल्दी बनाए रखने में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखती है कि बाहर कितना कितनी भी सराउंडिंग कितना भी चेंज हो जाए हमें बैलेंस में रहना है हमारी बॉडी को बैलेंस में रहना है उस स्टेट को बोलते हैं जब हमारी बॉडी खुद को बैलेंस में बनाए रखती है मेंटेन करके रखते हैं हमारी बॉडी को उसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस तो इस फील्ड में हम इस बारे में भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारे जेनेटिक्स का रोल है और कैसे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का रोल है मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखने में कि हमारी बॉडी किस तरीके से जेनेटिक्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है क्या रोल है इनका कि हमारी बॉडी कितने टाइम तक कितनी उसकी कैपेसिटी है एबिलिटी है कि वो होम्योस्टेसिस यानी कि अपने शरीर को खुद हेल्दी बना के रख सके बैलेंस में रख सके उसे इस चीज़ के बारे में भी हम इस फील्ड में स्टडी करते हैं इस फील्ड में पढ़ते हैं अब बायोसाइकोलॉजी में दो तरीके की रिसर्च होती है प्योर रिसर्च और एक अप्लाइड रिसर्च प्योर रिसर्च क्या है इट इज़ आल्सो नोन एज बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च इसे बेसिक रिसर्च रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं इट इज़ कंडक्टेड विदाउट एनी प्रायर एम और गोल जब हम इस रिसर्च को कर रहे थे तो हमारा पहले से कोई एम नहीं होता कोई गोल नहीं होता कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि चलो कुछ मतलब न्यू करते हैं कुछ एक्सप्लोर करते हैं तब हम इस रिसर्च हो करते हैं इट इज़ एक्सप्लोरेटरी जैसे कि हमने बोले इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं एक्सप्लोरेटरी इन नेचर एंड ड्राइविन एंड ड्राइविन बाई इंटेशनस एंड इंटरेस्ट यहाँ पे एंड नहीं आएगा ड्राइविन के बाद इट इज़ एक्सप्लोरेटरी इन नेचर एंड ड्राइविन बायशन एंड इंटरेस्ट ये एक्सप्लोरेटरी नेचर का होता है कि हम इसमें कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और हमारे इंटुशंस और हमारे इंटरेस्ट इसमें काफ़ी रोल निभाते हैं कि हमारा क्या इंटरेस्ट है कि हम किस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हैं किस फील्ड को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं किस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हम उसमें कुछ नया ढूंढ सकें ये तो कि प्योर रिसर्च अब अप्लाइड रिसर्च क्या है अप्लाइड मतलब ये रिसर्च ऐसी होती है कि जिसमें हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं कि हम उसे अप्लाई भी कर सकें उस रिसर्च में जो भी हमारा कंक्लूजन आएगा इट इज़ कंडक्टेड विद अ प्रायर एम इसमें हमारा एक प्रायर एम होता है पहले से हम कुछ सोच के चलते हैं स्पेसिफिकली इट स्टार्ट्स विद अ प्रायर एम प्रायर एम होता है टू सॉल्व एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम कोई एक प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करना चाहते हैं अपने रिसर्च के थ्रू यानी कि हमारा एम क्या हो गया कि हमें प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो ये क्या होता है अप्लाइड रिसर्च में इट इज़ द डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड हैज प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशन डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है और हम इसे प्रैक्टिकल अप्लाई भी करते हैं अब कोई भी प्रॉब्लम है अगर हमने उसका सोल्यूशन बनाया तो हम उसे अप्लाई भी करेंगे दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज मेनली कंडक्टेड इन टेक्नोलॉजी मेडिसिन एग्रीकल्चर एसेट्रा इस टाइप की रिसर्च टेक्नोलॉजी में की जाती है मेडिसिन में और एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए की जाती है ये रिसर्चेस तो ये भी हमारा कवर हो गया अभी लास्ट टॉपिक है डिवीजन इन साइकोलॉजी सा, बायोसाइकोलॉजी में क्या क्या डिविजन्स से, हैं टोटल सिक्स डिविजन्स हैं जिसमें फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या होता है इस फील्ड के साइकोलॉजिस्ट यूज साइकोलॉजिस्ट यूज़ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन टू स्टिमुलेट द ब्रेन एंड स्टडी इट्स इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर इस फील्ड में साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस बनाते हैं जिसमें वो एक्सपेरिमेंट करते हैं एनिमल्स पे नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स पे और फिर उस एक्सपेरिमेंट में जितने भी वो स्टिमुलेशन करते हैं हमारी ब्रेन उनके ब्रेन को एनिमल्स के ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं यानी कि उनसे छेड़छाड़ करते हैं उनके ब्रेन से इलेक्ट्रिकल शॉक्स देते हैं उन्हें या फिर कुछ केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं इन सब ये सब करके उनके ब्रेन में जो चेंजेस आते हैं उसको स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हमारे ब्रेन को अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दें ये चेंजेस करें तो उसकी वजह से हमारे बिहेवियर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में स्टडी करते हैं इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट मैनिपुलेशन डायरेक्ट मैनिपुलेशन का यूज़ होता है कि हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल शॉक्स दे रहे हैं ठीक है ब्रेन को इलेक्ट्रिकल शॉक्स दे रहे हैं डायरेक्टली कुछ कर रहे हैं कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं ब्रेन के साथ एंड रिकॉर्डिंग और फिर जितनी भी चेंजेस होते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं हमारे ब्रेन में जितनी भी चेंजेस होते हैं बाई यूजिंग सर्जिकल सर्जरीज करके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करके ऑन एनिमल्स फॉर रिसर्च रिसर्च में हम क्या करते हैं कि ब्रेन ब्रेन में सर्जरी करते हैं या तो कोई सर्जरी करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल शॉक्स देते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेन डायरेक्टली किसी नॉन ह्यूमन पार्टिसिपेंट का ब्रेन जैसे कोई रेट है उसके ऊपर हम आ, उसके ब्रेन में हम शॉक्स दे रहे हैं या कोई सर्जरी कर रहे हैं उसकी वजह से उसके बिहेवियर पर क्या चेंजेस आ रहे हैं सबको रिकॉर्ड करते हैं ये सब करते हैं इस फील्ड में और इस फील्ड का एम क्या है एम इज़ टू डेवलप थियोरीज अबाउट हाउ न्यूरल मैकेनिज्म कंट्रोल बिहेवियर जब हम ब्रेन में चेंजेस कर रहे हैं उसको शॉक दे रहे हैं सर्जरी कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि हम थियोरीज भी डेवलप कर रहे हैं कि इस फील्ड का मेन एम ये होता है कि हम थियरीज़ डेवलप करें किस तरीके से हमारा न्यूरल मैकेनिज्म हमारे नर्वस सिस्टम हमारा न्यूरल जो मैकेनिज्म है वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है इसके लिए हम थ्योरीज डेवलप करते हैं इस फील्ड में अब सेकेंड है साइकोफर्मेकोलॉजी इस फील्ड में क्या होता है इन दिस ड्रग्स आर यूज टू स्टिमुलेट न्यूरल सिस्टम एंड देन ऑब्जर्व देयर इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर अभी पहले हमने पहले हमने क्या पढ़ा था फिजियोलॉजिकल uh, साइकोलॉजी में कि हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं फिर सर्जी सर्जरीज करते हैं और इस फील्ड में क्या करते हैं कि हम ड्रग्स देते हैं ड्रग्स से ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं न्यूरल सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं उसके साथ ब्रेन के जो न्यूरल सिस्टम है उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं ड्रग्स के थ्रू और उसके बाद हमारे बिहेवियर में क्या इफेक्ट हुआ है क्या चेंजेस आया उसको उसको रिकॉर्ड करते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं परपज़ इज़ टू स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड बिहेवियर और इस फील्ड का क्या पर्पज़ है क्या एम है कि हम ब्रेन का और बिहेवियर का क्या इंटरेक्शन है इसके बारे में इस फील्ड में स्टडी करते हैं बट मेजरली द एक्सपेरिमेंट्स आर अप्लाइड इन नेचर बट जो एक्सपेरिमेंट्स है वो अप्लाइड नेचर के अप्लाइड जैसे हमने पढ़ा था अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है कि इनका पहले से एक एम होता है कि हमें कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना है तो इस फील्ड में क्या है कि हम क्यों कर रहे हैं स्टिमुलेशन कि ताकि कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकें इससे जितना भी कंक्लूजन होगा इसमें जितने भी रिसर्चेज होगी जो भी कंक्लूजन निकल कर आएगा उसे तो हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे तो इसका मेन फोकस क्या होता है डेवलपिंग थेरापेटिक ड्रग्स एंड रिड्यूस ड्रग यूज़ कि हम ड्रग यूज़ को कम कर सकें रिड्यूस कर सकें अब ड्रग्स का हमारे ब्रेन पे एक अफेक्ट एक, एक बुरा अफेक्ट पड़ता होगा जब भी हम उसका ड्रग्स का यूज़ कम कर रहे हैं ड्रग्स का यूज़ कम कर सके और थेरापेटिक ड्रग्स को डेवलप कर सकें कि थेरापीज़ की जाए थेरापेटिक ड्रग्स दिए जाए और जो नॉर्मल ड्रग्स का यूज़ किया जाता है वो कम हो जाए इस चीज़ में इस चीज़ इसका फोकस किया जाता है इस फील्ड में तो ये हो गया साइकोफार्मेकोलॉजी अब नेक्स्ट है थर्ड न्यूरोसाइकोलॉजी अब थर्ड है न्यूरोसाइकोलॉजी इसमें हम क्या पढ़ते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट स्टडी जो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी uh, करते हैं वो पढ़ते हैं देशेंट्स दी पेशेंट्स हु हैव हेड सम हैड इंजरी और ट्रोमा एंड सफ सफरिंग फ्रॉम ब्रेन डैमेज न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट उन पेशेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं उन पेशेंट्स के ऊपर स्टडी करते हैं जिनको कोई ट्रोमा है क्या या फिर उनके हेड में कोई इंजरी है या फिर कोई ब्रेन डैमेज से वो सफ़र कर रहे हैं इस सब के बारे में न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट इन लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं दी न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट अब न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डायग्नोज दी इम्पेयरमेंट्स एंड वर्क आउट अ अटेबल ट्रीटमेंट न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट से हमें क्या पता चलता है क्या डायग्नोज होता है कि क्या क्या हार्म हुआ है किसी पर्सन की ब्रेन में क्या हार्म हुआ है और हम क्या एक सूटेबल ट्रीटमेंट कर सकते हैं इससे इस चीज़ इस में हमें हेल्प मिलती है कि जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें एक्यूरेट पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है क्या इशू है क्या एम्पेयरमेंट्स है एम्पेयरमेंट्स क्या हानि हुई है क्या आ, क्या नुकसान हुआ है और इसका सूटेबल ट्रीटमेंट क्या है इसका हमें पता चल जाता है स्पेशली यूजेस केस स्टडीज स्पेशली इसमें केस स्टडीज़ यूज़ की जाती है कोज एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की जाती है ऑफ पेशेंट्स विद ब्रेन डैमेज कोज ड्यू टू डिसीज़ एक्सीडेंट और न्यूरो सर्जरी जो भी पेशेंट्स होते हैं जो जिनको ब्रेन डैमेज होता है किसी बीमारी की वजह से किसी डिजीज़ की वजह से एक्सीडेंट की वजह से या फिर न्यूरो सर्जरी की वजह से उनके नर्वस सिस्टम में उनके कोई नर्वस सर्जरी की गई है उसकी वजह से अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो मेन केस स्टडीज़ का यूज़ करते हैं और कोजी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करते हैं उस पर्सन पर फोकस ऑफ दीज स्टडीज़ इज़ सेरेबल कॉर्टेक्स और इस फील्ड का मेन फोकस इस फील्ड में मेन स्टडी करी जाती है सेरेबल कॉर्टेक्स को लेकर के इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में तो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है कि इस फील्ड में हम सेरेबल कॉलटेक्स के बारे में स्टडी करते हैं अब फोर्थ है साइकोफिजियोलॉजी यूज़ नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स अब पहले नॉन इन्वेसिव क्या होता है नॉन इन्वेसिव होता है जब हम सिर्फ कोई भी जैसे एक्सरे कर रहे हैं या फिर जब हम कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं किया जाता है या फिर कोई भी कटिंग नहीं होती है हमारे ब्रेन में या फिर किसी भी बॉडी पार्ट में उस टेक्निक को बोलते हैं नॉन इन्वेसिव टेक्निक और इन्वेसिव क्या होते हैं इन्वेसिव टेक्निक्स वो होती हैं जब हमारे शरीर में जब हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ इंजेक्ट किया जाता है कुछ कटिंग होती है कुछ आ, कुछ भी इंजेक्ट किया रह जाता है यानी कि कुछ कटिंग्स होती हैं जब कोई भी कटिंग नहीं होती सिर्फ हमारी स्किन के ऊपर कुछ भी काम किया जाता है या फिर कोई एक्सरे किया जाता है या फिर आई मूवमेंट चेक की जाती है हार्ट रेट चेक करा जाता है जैसे ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है उसमें कोई भी कटिंग नहीं होती ना हमारी बॉडी में कोई कट लगता है ना कोई ब्लड निकलता है जब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है कोई भी ऐसी टेक्निक का यूज़ नहीं किया जाता उसे बोलते हैं नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स और जब कट्स लगते हैं उसे बोलते हैं इन्वेसिव टेक्निक तो ये भी क्लियर हो गया यूज़ नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स इस फील्ड में नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है यानी कि कोई भी कट नहीं लगता तो एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एंड साइकोलॉजिकल processes as अटेंशन लर्निंग memory इन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स इसमें ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स का यूज़ किया जाता है लेकिन उनकी बॉडी पे कोई भी कट नहीं लगता कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाता ये हो गया और इसमें क्या किया जाता है कि हमारी फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ है और जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में स्टडी किया जाता है वेरियस मीजर्स दैट आर यूज फॉर लाइक ई अब कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स ई होगी मसल टेंशन आई मूवमेंट हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ये सब टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं इस फील्ड में कोगनेटिव न्यूरोसाइंस अब फिफ्थ है कोग्नेटिव न्यूरोसाइंस स्टडी द न्यूरल बेसिस ऑफ कॉगनीशन एंड हायर कोग्नेटिव प्रोसेस लाइक थिंकिंग मेमोरी अटेंशन एज वेल एज परसेप्चुअल प्रोसेसिस हमारे कोगोनीशन की जितनी भी बेस हैं जितनी भी न्यूरल बेसिस हैं उस सब के बारे में स्टडी किया जाता है जैसे थिंकिंग हो गई मेमोरी हो गई या टेंशन हो गया परसेप्चुअल प्रोसेस हो गया इन सब के बेस को स्टडी किया जाता है इस फील्ड में इट इज़ नॉन इन्वेसिव टेक्निक ये भी नॉन इन्वेसिव टेक्निक है इंक्लूड ह्यूमन पार्टिसिपेंट इसमें भी ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स होते हैं फंक्शनल ब्रेन इमेजिंग टेक्निक ये फंक्शनल ब्रेन इमेज टेक्निक काफ़ी मेन मेथड है ऑफ रिकॉर्डिंग द ब्रेन एक्टिविटी ब्रेन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे मेन जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है फंक्शनल ब्रेन इमेजिंग अब लास्ट है सिक्स कंपेरेटिव साइकोलॉजी कंपेरेटिव साइकोलॉजी में क्या होता है कंपेरेटिव साइकोलॉजिस्ट स्टडी द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर फ्रॉम एवोल्यूशनरी जेनेटिक एंड अडेप्टेसन परसपेक्टिव कंपेरेटिव साइकोलॉजी में जो कंपेरेटिव साइकोलॉजिस्ट हैं वो बिहेवियर को स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बिहेवियर को स्टडी करते हैं उनके बिहेवियर को उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव से कि जब उनका जब न्यूरल नर्वस सिस्टम विकसित तो हो रहा है उस टाइम पर उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ में उनके जेनेटिक्स पे उनके जेनेटिक्स की वजह से उन उनपे उनके बिहेवियर में क्या डिफरेंसेस हैं उसको पढ़ते हैं अडेप्टशन परस्पेक्टिव कि वो नए नए सराउंडिंग को अडोप्ट कैसे कर लेते हैं इन सब इन तीनों परस्पेक्टिव से एवोल्यूशनरी एसपेक्टिव जेनेटिक एस्पेक्टिव परस्पेक्टिव और अडेप्टेन परस्पेक्टिव इन सब परस्पेक्टिव से कंपेरेटिव साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करते हैं इनके ऊपर स्टडी करते हैं कि, कि किस तरीके से इनका बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ का चेंज uh, होता है इन्फ्लुएंस होता है इन सब के बारे में स्टडी करते हैं कंपेरेटिव से ही कंपेयर से ही समझ में आ रहा है कि ये लोग कंपेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ में कंपेयर करते हैं कि क्या इन में हैं क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इनके बिहेवियर में बिहेवियर इज़ स्टडीड इन लेबोरेट्री कंडीशन लेबोरेट्री में लेबोरेट्री में भी इन पर स्टडीज़ की जा सकती हैं और इट मे बी ऑब्जर्व इन नेचुरल इन्वामेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट में भी स्टडी हो सकती हैं तो यहाँ पे ये वीडियो इधर ख़त्म हो गई है वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट इस यूनिट का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जिसमें मैथड्स टू स्टडी बायोसाइकोलॉजी और काफ़ी सारे मैथड्स हैं तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट्स में अपनी क्वैरीज़ और अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें